एमा का टैटू जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैं तेरे को दिखाता हूँ, रुक पहले तो देख ले एक बार। तो भाई हमारा ब्लॉग इतना लेट क्यों आता है भाई? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। हम लोग अभी एक ब्लॉग बनाने के लिए गए थे कुछ दिन पहले, हम लोगों ने शूट वूट भी कर लिया था आधा, फिर कुछ गार्ड वाले वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अलाउ नहीं है शूट करना, आपका कैमरा छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो फिर हमने जैसे तैसे करके उनको बात करी, थोड़ा सा घूस भूस दिया, ठीक है मैं वीडियो देख लेना यहाँ पे चेक कर लेना, थोड़ा सा घूस भूस दिया, फिर वो माने। और फिर एंड में क्या हुआ, हम लोग घर वापस आए तो हमें पता चला कि हमारा जो माइक है वो ही ऑन नहीं था, मतलब पूरी वीडियो बस कुछ 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 ऐसे साउंड आता रहा, तो इस वजह से वो वीडियो डल नहीं पाया। तो भाई आज हम क्या करने वाले, आज करने वाले हम प्रैंक, वो भी एमा के ऊपर। तो मैं अपने उस पर हाथों पे या कहीं पे भी एक टैटू बनवाऊंगा उसके नाम का, ठीक है, और उसको जाके बोलूंगा कि भाई ये रियल है, मैं तेरे से इश्क मोहब्बत करता हूँ, जिस वजह से मैंने ये काम किया है। पहले तो वो मानेगी नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता, तो जल्दी से उस जगह पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने बैक बेंचर स्टूडियो में, ठीक है, टैटू स्टूडियो, और हमारे भाई है उसके ओनर। तो जिसको भी याद हो कि ये वाला टैटू इन भाई ने ही बनाया था, ठीक है, और ये टैटू बहुत सेक्सी भी लग रहा है इस टाइम पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, देखो हम प्रैंक करने तो आए हैं, लेकिन उसके साथ में अगर कोई अच्छा सा एक टैटू भी बन जाए तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा। तो भाई मेरे को एक दो टैटू दिखा रहे हैं। मैं यूनिवर्स ऑफ इल्यूजन का कुछ कॉन्सेप्ट डालते हैं कि वो थोड़ा और वाइब्रेंट लगे टैटू। समझ गया। मतलब कि देखो मैंने तो ये सोचा था कि ये वाली चीज बनाऊंगा मैं, ठीक है, अब भाई मेरे को ये कह रहे हैं कि इनका मत्था हटा के ऊपर से इल्यूजन टाइप का कुछ डालने का, तो वो भी बहुत एपिक सीन लगेगा। तो अभी देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता, लेकिन अपना प्रैंक जरूर बनेगा आज। तो भाई रियल टैटू जो मैं बनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके का होगा, देखो अगर दिख रहा हो तो, ये मून टाइप का कुछ है, मतलब ये है, दिख रहा है इधर, हाँ ये देखो एक और आ गया, तो मतलब इस टाइप का ये मून टैटू होने वाला है। तो ये मैं बनाने वाला हूँ जो मेरा रियल वन है, ठीक है, और बाकी प्रैंक का तो करेंगे। तो भाई देखते हैं यार कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, मेरे को बताना अगर ये ज़्यादा बुरा लगे तो, पर अब है कि शक्ल से कितना ही बुरा लगेगा। तो भाई बहुत दिनों बाद मैं टैटू बनवाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ये मार रहे हैं ना इतना गंदा चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो जब तक भाई एक सिनेमैटिक के मज़े लो। फाइनली मेरा जो टैटू है वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब हमने सोचा है कि एमा का टैटू जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, जूम करो कैमरामैन जूम, और इसको मैंने सोचा है कि मेरे यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड पे एकदम फ्रंट साइड पे लिखवाऊंगा, ठीक है, मतलब टैटू करवाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि हमने दिल में लिखवाऊंगा, मैंने कहा हटा यार, चलो तो अभी इसको फटाक से करते हैं उसके बाद चलते हैं। वैसे एमा का मेरे पे दो तीन बार मैसेज भी आ चुका है कि उनने पूछा है कि कहाँ हो ये वो, तो मैंने उसको बोला कि मैं अपना टैटू कराने के लिए आया हूँ, ठीक है, उसको नहीं पता मैं उसके साथ भी ये सीन करने वाला हूँ। तो अभी चलेंगे वहाँ पे, फिर भाई तगड़ा मजा आने वाला है, तब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस फिलहाल के लिए तो हमने अपना नकली टैटू बना लिया है जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एमा को करेंगे हम वीडियो कॉल, जो मेरे को बहुत देर से मैसेज भी कर रही है कि क्या हुआ क्या सीन है, तुमने अपना टैटू कैसा बनाया, मैंने किसी को भी दिखाया नहीं है। तो अब मैं उसको फोन करूंगा और तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। हाँ बस कंप्लीट हो ही गया है, तू क्या कर रही है? मैंने ना एक चीज बनाया है जो थोड़ा सा वैसा है, तो मैं तेरे को दिखाता हूँ। क्या लिखा है? पहले तो डरा दे मेरे को, डरा दे भाई, रुको एक मिनट, दर्द हो रहा थोड़ा सा। मेरे बहुत टाइम से मन था, मैंने इसलिए करवा लिया बस। पहले तो मैं छाती में करने वाला था, हट क्या, अपनी प्यार की कहानी दुनिया तक पहुंचानी है मेरे को।
अच्छा नहीं लगा क्या तेरे को? दिखाना दिखाना एक बार। ये देख ऐसे दबाना। कैसे दबा? अब दर्द होगा अभी, अभी तो उसको सही से वो भी नहीं हुआ, हल्का हल्का फीलिंग हुई है वो। इतना बड़ा लिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ ये तो तूने सही कहा कि थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाद में रियलाइज हुआ ये। चल ठीक है इसको कंप्लीट करता हूँ पहले मैं। तुम घर कब तक आओगे? मैं कॉल कर दूंगा तेरे को। तेरे को कैसा लगा वो बता ना। अंदर ही अंदर फूट रहे होंगे लड्डू। चल मैं तेरे को घर आके कॉल करता हूँ इसको। भाई मेरे हिसाब से तो इसको शक नहीं हुआ होगा। क्या लगता है? नहीं हुआ होगा। क्या लगता है? नहीं हुआ होगा। ठीक है देखो थोड़ा सा तो ये फेक लग रहा है, अगर तुम सामने से देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये फेक है। चलते हैं फिर देखते हैं भाई क्या सीन होता है, क्योंकि देखो वो मेरे को सामने से देखेगी ना तो तुरंत पहचान जाएगी। तो चलो। तो भाई हम अपने फ्लैट में आ चुके हैं और वो थोड़ी बहुत देर में आने ही वाली है। लेकिन पता एक चीज़ मेरे को क्या लग रहा है, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, उसको लगा भी होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने बनाया है, ठीक है एकदम रियल लगेगा। लेकिन जब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, तो मेरे को लगता है कि हाँ इस जगह पे वो थोड़ी सी पकड़ लेगी, क्योंकि वो बहुत तेज चलने लड़की है। तो भाई देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता, तो उसके आने का इंतज़ार करते हैं। तो तब तक के लिए सो जाते हैं, गुड नाइट। तो अभी अभी उसका कॉल आया था, वो बस आने ही वाली है, नीचे अपनी स्कूटी पार्किंग कर रही होगी। तो तब तक के लिए फिर से सो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं उसका। चलो लेकिन इस बार ये चीज़ अच्छा है कि उसके दिल के साथ नहीं खेल रहे, जिसके वजह से वो रोएगी धोएगी भी नहीं, क्योंकि हर बार ज़्यादातर प्रैंक में यही होता है, एंड टू एंड में वो रोती है फिर मज़ा ही नहीं आता। तो आगे 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 रुक जा तू पीछे ना। और कैसे हो? हाँ अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, बाद में दिखाऊंगा आराम से। इतना आ रही हूँ तब तो भाई क्या मेरा नाम लिख लिया था, इतना हो गए? हाँ क्या यार एक बार दिखा तो सही। दिखा अभी नहीं दिखाऊंगा ना, पहले तू ये मेरी कहानी तो सुन, मेरी भावना, मेरे दिल की इच्छा, जो मैंने इतने कष्ट के साथ तेरा नाम लिखवाया है। सुना? आओ 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 गाइस घर में आओ। तूने जब मैंने तेरे को बताया कि हाँ भाई मैंने तेरे नाम का टैटू बनाया, तो तुझे कैसा लगा? मेरे को तो लगा ही कि तुम मेरे को लोन आ रहे हो, मेरे को लगा। मतलब तू ये सोचती है कि मैं मतलब तेरे लिए कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता कभी? उठ पटक चीजें तो जरूर। ऐसा ऐसा तेरे लिए मैं टैटू बनाऊंगा अपने दिल पे, अपने मैंने ऐसा नहीं सोचा, इतना सोचा कि हाँ एक जैसे टैटू बना सकते। नाम वाम लिखवा तो टैटू दिखाने का कष्ट करेंगे? तो गाइस हम अपना टैटू रिवील करते हैं, ठीक है? टैटू तो रिवील कर चुके। अच्छा इस हाथ में? हाँ, मैं साथ में इस हाथ में थोड़ी है। चल खोल। क्या झूठ? नहीं भाई अब भी दर्द हो रहा है, टच मत कर उसको। तो इसका फॉइल पेपर कहाँ है? वो लगाया नहीं, इसमें भी तो नहीं लगाया मैंने। वही जो तू सोच रही है। ऐसे मेरे को दिख नहीं रहा क्या कि कैसे लिखा है? तुझे ये नकली लग रहा है? और तुझे ये नकली लग रहा है? और तुझे मतलब मेरा प्यार नकली लग रहा है? मैं नहीं मान सकती ये भाई। गाइस तुम एक बार देखो ये मेरा कहाँ से लग रहा है असली है? तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, कितना अच्छा। नहीं नहीं मेरी शक्ल हंसती हुई है, लेकिन प्रैंक थोड़ी करूंगा मैं तेरे साथ। वो रियल है, मिटा के देख। ये देखो एक भी छूट रहा है। क्या एक तो इतना अच्छा प्रैंक कर रहा था, इतनी मेहनत करी मैंने और इसने थूक लगा दिया पूरे प्रैंक पे। मेरे को भी यकीन नहीं था कि ये थूक से मिट जाएगा। अच्छे से करो ना, प्रैंक कर रहे हो। मैं मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर रहा आपसे प्रैंक। प्रैंक हर बार पकड़ लेती है। क्या बताऊं भाई, प्रैंक की ऐसी तैसी कर दी। सब में ज्यादा मजा तो मेरे को तभी आया जब वीडियो कॉल में तू एक्साइटेड हो रही थी। ओ वही हाँ, अच्छा एक पल को लग भी रहा था, कह तो एक पल को लग रहा था कि हाँ है, अब नहीं लग रहा। यहाँ पे तुमने शिट कर दिया। शिट छोड़ो यार, शिट
और गाइस चलो अब कुछ नॉर्मल बातें करते क्योंकि प्रैंक की तो ऐसी तैसी हो गई। तो अगर देखो मैंने जैसे बताया था हमारा पिछला ब्लॉग किस वजह से खराब हुआ था, तू जो भी है गाइस देखो मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, डेली ब्लॉग बनाऊँ, पर जितने भी कोशिश कर लो मेरी कोशिशें नाकामयाब ही होंगी बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ दिस टू गाइस। तो आगे भी ट्राई करते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रैंक हो गया गंदा, इनने कर दिया बहुत गंदा। मेरे को पता आप लोगों को स्टार्टिंग में तो मजा आया होगा भाई, मेरे को तो दर्द हुआ इस पे, तो मजा आया ना प्रैंक चाहे कैसा भी क्या हो। तो आपसे आपसे ये भी सही बात है, आपसे मतलब कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग आ सके, ठीक है, और फोन से ही ब्लॉग करूंगा क्योंकि कैमरे से ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हौच पौच भी है, तो फोन से ही ब्लॉग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल, और अगर देखो कमेंट में मेरे को बताना अगर आपको डेली का रूटीन चाहिए, जैसे मैं यार कितने बजे उठता हूँ या क्या खाता हूँ, धोता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, घूमता हूँ, घूमता हूँ, क्या करना वो सब हम दिखाएंगे, बस आप कमेंट में बताओ कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो मिलते हैं, सायोनारा।